हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ कंप्यूटर की इस क्लास में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एमएस वर्ड में किस तरह से कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, तो चलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड। डियर फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। डियर फ्रेंड, अपने माउस कर्सर को स्थान पर रखिए जहाँ पर से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को। ये देख लीजिए, मैं लाइन के स्टार्ट पे कर्सर को रखता हूँ तथा लेफ्ट की को होल्ड करते हुए एरो की का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, शिफ्ट की को होल्ड करते हुए एरो की के यूज से जिस तरह आप टेक्स्ट मतलब ये देखिए, मैं राइट हैंड साइड को टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं राइट एरो की के माध्यम से। डियर फ्रेंड, इस तरह से नीचे डाउन एरो की को प्रेस करके मैं ये नीचे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और ये अप की के माध्यम से, अप एरो की के माध्यम से ये देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से कीबोर्ड के माध्यम से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यदि हम सिंगल लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तब कर्सर को लाइन के शुरू में या लास्ट में रखते हैं तथा शिफ्ट की को होल्ड करते हुए एंड की या होम की को प्रेस करते हैं। डियर फ्रेंड, मान लीजिए ये लाइन के एंड पे मैंने कर्सर को रखा हुआ और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए होम की को प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और मान लीजिए मेरा कर्सर लाइन के स्टार्ट पे रखा है और मुझे लाइन का लास्ट तक का सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट की को होल्ड करते हुए एंड की प्रेस करूंगा तो पूरी लाइन आखिरी तक सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, संपूर्ण टेक्स्ट को एक साथ एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए की को प्रेस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, पूरे पेजों को सिलेक्ट करने के लिए, जितना भी आप डॉक्यूमेंट है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना होता है। डियर फ्रेंड, कंट्रोल प्लस ए आपको सिलेक्ट करना होगा फॉर ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल और ए के माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, और इसके बाद डियर फ्रेंड्स, किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को किस तरह से मूव किया जा सकता है आप देख सकते हैं। मूविंग टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट को मूव करते हैं तब ओरिजिनल टेक्स्ट अपने स्थान से डिलीट हो जाता है, उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे मूव किया गया है। टेक्स्ट को मूव करने के लिए कट पेस्ट मेथड का या ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने इसे सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के माध्यम से मैंने इसे ये मूव कर दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हो गई डियर फ्रेंड्स। और कट एंड कॉपी, ये मैं कंट्रोल एक्स से कट कर दिया है मैंने इसको। अब मेरे को मान लीजिए जहां पे भी रखना है मैं वहां जा करके कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और इस तरह से आप मूव कर सकते हैं कट और पेस्ट के माध्यम से। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी के कमांड देकर आप ये मूव का कार्य कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आता है मूविंग टेक्स्ट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर माउस को रख के ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, जहां पर आप छोड़ेंगे वहां पे वो चला जाएगा। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से भी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कॉपिंग टेक्स्ट यूजिंग कट पेस्ट मेथड, ये भी मैंने आपको बता दिया। किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी करके, मान लीजिए आपको दोनों जगह कॉपी चाहिए तो आपने कॉपी किया और मान लीजिए जहां पे भी उसे ले जाना है वहां जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो वहां पे भी रहेगी एक कॉपी और एक कॉपी जहां पे आप चाहते हैं वहां पे भी आ जाएगी। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए उस वर्ड को या लाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं या माउस से उसके ऊपर सिलेक्शन पर क्लिक करके भी आप उससे डिलीट या कट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, उससे भी वो टेक्स्ट हट जाएगा, जिस भी टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की से के माध्यम से भी आप उसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।